आपके साथ शिवानी पांडे। आज बोधि दिवस है और बोधि धर्मा को कुंफू मास्टर के तौर पर भी जाना जाता है। कुंफू फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आज इसे वर्ल्ड कुंफू डे के तौर पर मनाया जा रहा है और ड्रैगन एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट की ओर से यहां पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और किस तरह बच्चों ने यहां पर जोरदार प्रदर्शन दिया, कुंफू के प्रति उनका जो क्रेज था वो देखने को मिला, किस तरह बच्चों ने प्रदर्शन किया, देखिए इसकी एक झलक। गुरुवार को प्रसिद्ध भारतीय बौद्ध भिक्षु बोधि धर्मा का जन्मदिन था, जिसे धूमधाम से कुंफू फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा वर्ल्ड कुंफू डे के रूप में मनाया गया। इस मौके पर ड्रैगन एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट के कुंफू खिलाड़ियों ने कुंफू की विभिन्न विधाओं का हैरतअंगेज प्रदर्शन कर दर्शकों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुंफू फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष IAS डॉक्टर सुधीर कुमार बोबडे रहे। इस अवसर पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। देखिए, राष्ट्रीय कुंफू दिवस आज मनाया जा रहा है, उसके साथ साथ बोधि धर्मा का जयंती दिवस भी आज है और इस अवसर पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ड्रैगन अकेडमी ने जो अंशदान कर रहे हैं या योगदान कर रहे हैं उसमें बच्चों की संख्या भी बढ़ी है, बच्चों में जो कुंफू की क्वालिटी है उसमें भी वृद्धि हुई है। तो निश्चित रूप से पिछले मैं 3-4 साल से देख रहा हूँ कि यहाँ पर लखनऊ में बच्चों की संख्या के साथ साथ बच्चों में जो कौशल आ रहा है कुंफू का, वो उसमें लगातार उत्तर वृद्धि हो रही है। उससे बच्चों में एक तो अनुशासनशीलता, एकाग्रता, समयशीलता, टीम भावना में काम करने की जो हैबिट है वो पड़ रही है, तो ये अच्छे समाज के निर्माण के लिए बहुत अच्छा शुभ संकेत है। वहीं कुंफू फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। ड्रैगन एकेडमी के फाउंडर मेंबर राजेंद्र गौतम ने भी इस अवसर पर बच्चों द्वारा किए गए कुंफू के प्रदर्शन की तारीफ की। कुंफू हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, एक जीवन शैली है, इससे आप सुरक्षित रह सकते हैं और अनुशासित नागरिक बन सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से, सभी लोगों से यही कहना है कि कुंफू को जरूर सीखें और अपने बच्चों को जरूर सिखाएं, इससे आप एक लोगों स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। और आज बोधि धर्मा जी का जन्मदिवस है, जो कुंफू के जनक हैं उनको नमन करते हुए आज इसकी आवश्यकता है कि हर व्यक्ति को और ख़ासतौर से महिलाओं को कुंफू जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि कुंफू से वो आत्मरक्षा करके अपनी रक्षा कर सकते। वहीं इंटरनेशनल मार्शल आर्ट कोच ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने कहा कि ये बड़े गौरव की बात है कि ड्रैगन अकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट्स के 31वें स्थापना दिवस के अवसर पर कुंफू के जनक बोधि धर्मा का जन्मदिन मनाया जा रहा है। जो चीज़ जितनी पुरानी होती है निश्चित रूप से उसकी आधारभूत संरचना उतनी ही ज़्यादा प्रबल होती है। कुंफू को हजारों वर्ष हो गया, आज कुंफू किसी पहचान का मोहताज नहीं है। सरकारी सहायता से संभवतः कोई खेल आगे बढ़ता है, परंतु कुंफू एक ऐसा खेल रहा जिसको कि किसी परिचय की आवश्यकता नहीं रही। जीवन जीने की ये कला आज लोगों के दिलों को बांध चुकी है और पूरे विश्व में हर खिलाड़ी के दिलों में यह घर कर चुकी है। मेरी आशा है कि भारतवर्ष में भी यह खेल हर प्रदेश में अपनी जड़ें जमा चुका है और लोग संसाधनहीनता की स्थिति में भी इस खेल को बड़े मजे से खेल रहे हैं। यह खेल जो कि एक कला है आज नवीनतम पद्धति में खेली जा रही है। भारतीय कुंफू संघ इसके लिए कटिबद्ध है और प्रयासरत है कि यह खेल मान्यता प्राप्त हो। कुंफू फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा सबसे बुजुर्ग कुंफू मास्टर जसवंता सिंह को उनकी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के साथ 1,00,000 रुपए का चेक भी प्रदान किया गया। बच्चा लोग अच्छा खेल रहा है, आगे बढ़ रहा है, इंटरनेशनल लेवल में आ रहा है। हम देख आने वाला टाइम में हम मिल जाएगा कुंफू फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंदर से भारत का नाम और इनाम सब कुछ लेके आने वाला, प्रोमिसिंग स्टूडेंट भी बहुत है। कुंफू एक ऐसी कला है जिसका जन्म तो भारत में हुआ लेकिन ये पली बड़ी चीन में, लेकिन जिस तरह इसने वापसी की है, आपने बच्चों का जो प्रदर्शन देखा उसको देखकर आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि किस तरह अब भारत में भी धीरे धीरे कुंफू वापसी कर रहा है। इसी के साथ आप देख रहे हैं आज की खबर। नमस्कार।